हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर रिप्ले वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने लास्ट ब्लॉग में कि हम लोग एक्चुअली में मिस्टी के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए थे, तो मैं ब्लॉग्स में तो वैसे मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि हम लोगों को आते आते ऑलमोस्ट 9:30 हो गए थे। तो जो हम लोग शॉपिंग करके आए थे तो उसमें बेसिकली ना मिस्टी के लिए कहते हैं हम लोगों ने कुछ कपड़े वगैरह खरीदे थे, गोल्ड लिया था, एक मैंने टेडी बियर लिया था जो कि मुझे नहीं लेना था बिल्कुल भी, बट मिस्टी को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था और मैं अपने लिए गाऊँ ना तो मुझे भी टेडी बियर्स वगैरह सॉफ्ट टॉयज काफ़ी पसंद है, तो वही मैं लेके आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, स्टार्टिंग करती हूँ पहले तो फिर बर्थडे गिफ्ट में, बर्थडे में जो हम लोग कहते हैं करेंगे। तो कुछ ये लेके आई थी मैं, आप ये है ऐसे करके, ये कुछ ऑलमोस्ट 12 पीसेस है, ये जितने भी बच्चे वगैरह हैं उन लोगों के लिए ऐसे कुछ है, इस टाइप की कुछ है। तो मैं ये लेके आई थी, ठीक है, तो मैं इसको साइड में रखती हूँ। एंड ये कुछ इस टाइप के ये हैं, ये तो ये बस बच्चों के पहनने के लिए, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें लेके आई थी। ये भी ऑलमोस्ट कुछ 12 पीसेस है। एंड ये हैप्पी बर्थडे का जो होता है इस टाइप में कुछ लेके आए इस पर, वैसे तो मैं लास्ट 2 टाइम से इसकी वही वाला एक ही जो हैप्पी बर्थडे का जो ये होता है ना टैग वगैरह वही यूज़ करी थी, बट इस पर इसके पापा कुछ डिफरेंट लेके आए थे। मुझे ना इन सबका कॉस्ट नहीं पता है कि कितने का है, क्योंकि ये एक्चुअल में ना मिस्टी के पापा खुद अकेले जाके लेके आ गए थे। तो ये था, एंड ये कुछ ये है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या है, तो मैंने अभी तक हम लोगों ने ओपन भी नहीं किया। ये जो होता है ना इस टाइप का कुछ बच्चे करते हैं, मुझसे नहीं हो रहा अभी, ये इस टाइप का जैसे फूलता है काफ़ी ज़्यादा, ये है। मिस्टी ने सबको देखा है, एक्साइटेड हुई है, बट उसे पता है कि बर्थडे वाले दिन ही इसको खोलना है, तो अभी तक इसने ओपन नहीं किया। और कुछ बैलून्स है, ये मैंने ऑल तो वैसे कहा था मेरे का जो इस बार था थीम कि मैं ब्लू एंड येलो कुछ करूँगी, बट ठीक है कि एक्चुअल में मुझे पता भी था कि कब जाके लेके आ गए। ये है एंड ये बिग वन, हमारे टाइम पे चला करता था ना इस टाइप के बैलून्स, अब तो ये बहुत कम हो गए हैं, पता नहीं मैं लगा पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, क्योंकि एक्चुअल में ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम पे दिल्ली में, और इसके लगाने के लिए मुझे पैन ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ बेटर ऑप्शन है ना फैन के अलावा, हम किसी दूसरी जगह पे लगाए तो आप मुझे बताइएगा कि हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि फैन तो कंपलसरी है, ऑन रहेगा, एसी भी काम नहीं कर पाता है एक्चुअली, बच्चे ज़्यादा इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना उस टाइम पर, तो कुछ काम नहीं करता है ये एसी फैन वगैरह। बाकी तो ये कुछ हाउस होल्ड थिंग्स है, वो तो नहीं दिखाने की जरूरत है। एंड मैं आपको कहती हूँ ना सॉफ्ट टॉय, तो ये देखिए ये है, कैसा लगा आप लोगों को बताइए ज़रूर, बहुत क्यूट सा लगा था मुझे देखते, काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था, और इसका कुछ वर्थ था आई थिंक 800 समथिंग। ये हमने ना चुनमुन है जो लाजपत नगर वहीं से लिया था, तो काफ़ी प्यारा सा लगा था, और मिस्टी को कहते जब से इसने ये लिया है ना तब से कंटिन्यूसली इसी के साथ खेल रही है, तो इसका हमने ना पता नाम भी रखा है एक्चुअली में ना मिस्टी के जितने भी टॉयज हैं ना तो उन सब का हमने कुछ नाम रखते हैं, तो इसका जो हमने नाम रखा है ना वो रखा है इलू, अब पता नहीं क्यों रखा है हमने इसका नाम इलू, बट हमने इसका नाम इलू रखा है। एंड ड्रेसेस की बात करती हूँ तो ये चुनमुन से लिया है हमने ड्रेसेस, तो इसका सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो वो इस टाइप का ब्लैक है, तो ये फिटेड है मेरे ख्याल से, इस साल चलेगा, नेक्स्ट ईयर शायद छोटा हो जाए, तो मिस्टी के पापा कहते थे मुझे थोड़ा सा लॉन्ग लेके आना चाहिए था, बट मेरे ख्याल से ना बच्चे के लिए चाहे कितना भी लॉन्ग लेके आऊँ बच्चा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा तो डेफिनेटली आप उसको जिस दिन कुछ फंक्शन होगा उस दिन तो पहना पाओगे, बट फिर आप बाहर लेके जाओगे ना तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि जोर से ज़्यादा लॉन्ग हो गया तो फिर आप नहीं पहना पाओगे, तो इसलिए ना मेरे ख्याल से जो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत वो बड़ा तो ठीक है, तो यही साइज था। तो इसके साथ में मैचिंग का जो मैं लेके आई हूँ ये है कुछ, दिखाती मैं आप लोगों को, ये कुछ है पैंट इसकी, मुझे ना ये पैंट एक बार में ही देखते पसंद आ गई थी, तो ये ऐसे रहेगा, एंड ये दोनों ना मैंने अलग अलग से बाय किया है, एक साथ एक ही जगह से नहीं है, मतलब मैंने कुछ कंट्रास्ट बनाने की कोशिश करी थी, ऐसे देखिएगा
इस टाइप का कुछ कंट्रास्ट बनाने की कोशिश करी थी। होपफुली अच्छा लगेगा, ये थोड़ा सा फॉर्मल लुक टाइप का हो गया बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मिस्टी नेचुरल में इस टाइप की ड्रेसेस पहनी भी नहीं है, इस टाइप की जो पैंट होती है ना प्लाजो टाइप की पैंट, इसने पहनी नहीं है अभी तक कभी भी इस टाइप की। तो बस ये है इसका। और इसकी कॉस्ट बताओ तो आई थिंक ये समथिंग कुछ ए आपको दिख रहा होगा तो आई थिंक कुछ 819 समथिंग का था, मुझे एकदम कन्फर्म नहीं है। और अगर इसकी बात कहूँ तो ये एक्चुअल में इसका जो प्रिंट है ना कुछ 945 समथिंग का है, बट ये मेरे को पड़ गया था 780 रुपीज़ में। तो ये था, ये मैंने जो मैं चुनमुन से लिया था, बट ये जो है ना मैंने अपने ही लोकल प्लेस है नरूला एंड सन्स करके कोई शॉप है हमारे यहाँ पर, तो वहाँ से लिया था। एंड हेयर इट इज़ हर बर्थडे ड्रेस। सी एक्चुअल में ना इसमें इतना शो नहीं हो पा रहा है कि कुछ ऐसा है, इसमें स्टोन टाइप का कुछ वर्क हो रखा है, सीक्वेंस वर्क हो रखा है। एंड ये लॉन्ग है थोड़ा सा, इसके ना पैर हल्का सा मतलब कि नीचे हल्का सा नीचे है, तो बैक में इसका कुछ ऐसा है जिप टाइप का कुछ है, इस टाइप का कुछ जिप है। तो ये स्टिल ये भी थोड़ा सा टाइट टाइट सा हो रहा था मिस्टेक है, बट ठीक है चलता है ये सब चीज़ें। एंड फाइनली जो हमने लिया था इसके लिए ये कुछ रामाकृष्णा शॉप है ज्वेलर लाजपत नगर में ही, जैसे मैंने बताया अभी तक लास्ट ब्लॉक में हम लोग कुछ शॉप से ही लेते हैं। तो ये था इसका एयरिंग, इस पर क्लियर नहीं है इतना, दिखाती हूँ मैं आपको। ये इयरिंग्स लिया अभी तो मैंने, वैसे तो मिस्टी के बर्थडे पे ही है पर्पज से, मैं एक्चुअली उसके हर साल बर्थडे पे कुछ ना कुछ गोल्ड इनमें इन्वेस्ट करती हूँ ताकि जो एक अमाउंट है वो सेव हो। और मतलब आपको ही पता है कि गोल्ड वगैरह जो है ना वो अभी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, डे बाई डे बढ़ रहा है। जब मैंने अपनी वेडिंग की बात की, जब मेरी शादी हुई थी, आई थिंक कुछ 30,000 समथिंग का था, बट अभी ऑलमोस्ट 50,000 है, तो 4 साल में ऑलमोस्ट 20,000 से भी अप हो गया है। तो और भी शायद मिस्टी बड़ी होगी तो पता नहीं कितना गोल्ड रेट होगा। एंड ये कुछ लिया मैंने इसके लिए, ये तो ये अभी तो फिलहाल मेरे ही फिंगर साइज का है, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे इस फिंगर में आ रहा है इस टाइप का, आई थिंक आपको लोगों को दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बैक कैमरे से अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये लिया है मैंने, सो ये ऑलमोस्ट मेरे को पड़ गया था आई थिंक ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ समथिंग, मतलब पूरा नहीं बट उससे कम ही का है। तो ये सब लिया है हम लोगों ने। एंड अभी मिस्टी तो सब चीज़ें पहन नहीं पाएगी, मैं यूज़ करूँगी। तो बस यही था मेरे को दिखाना था आप लोगों को कि मैंने बर्थडे पे क्या क्या लिया। अभी काफ़ी कुछ और भी लेना है, क्या क्या लेना है अभी पता नहीं। अभी टुडे इज़ मंडे, तो अभी ट्यूजडे वेनसडे ट्यूजडे वेनसडे का ही देना है। तो अभी अब मतलब मुझे क्या क्या लेना है, मैं ऑफिस में बैठ कर आजकल यही करती हूँ कि लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें छूट गई, लाइक हेयर बैंड्स वगैरह हो गए, उसके शूज़ वगैरह मैंने नहीं लिए हैं, तो सब चीज़ें भी लेनी हैं। तो देखते कैसे होता है। तो होपफुली उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे न्यू नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिल सके।